इनमें से क्या चीज कम है? इक्वेशन वाई इज इक्वल टू 6.5 एक्स का यूनिट रेट, यानी कि चेंज चेंज पर यूनिट चेंज है इसका, यानी कि यूनिट रेट, या फिर यूनिट रेट इस ग्राफ का जो कि नीचे दिखाया गया। तो अगर मैं बात करूं वाई इज इक्वल टू 6.5 एक्स की, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जब भी मैं एक्स की वैल्यू को एक बढ़ाऊंगा, एक यूनिट के कदर बढ़ाऊंगा, तो वाई जो है वो 6.5 बढ़ जाएगा। एक को मैं जब 6.5 से दूंगा तो 6.5 यानी 6.5 हो जाएगा। यानी अगर एक्स जो है वो 2 होगा तो वाई की वैल्यू जो है 6 दुनी 12 और 1 13 हो जाएगी। कहने का मतलब ये कि अगर मैं इस स्ट्रेट लाइन की बात करूं, एक्स 1 बढ़ाया, 0 से मैं 1 पर आया, तो वाई जो है वो इस इक्वेशन में, जो कि जाहिर बात है अलग है, ये कहाँ आ गया? ये 3.5, 3.5 पे, जबकि ये जो y इज इक्वल टू 6.5 x है ये यहाँ कहीं होता, 6 से ऊपर कहीं होता, 1 की सूरत। तो ये वाजे तौर पर लग रहा है, वाजे तौर पर लग रहा है कि 6.5 x जो है, y इज इक्वल टू 6.5 x, ये बड़ा है, और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये जो है इसका, यूं कहें कि इसकी जो स्लोप है वो कम है। तो द यूनिट रेट ऑफ ग्राफ इज लेस देन द यूनिट रेट ऑफ द इक्वेशन, यही दुरुस्त जवाब है।